डिटेक्टर्स हैं, और जैसा पहले बताया था हमारे जो बेसिक न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर्स में, इन डिटेक्टर्स में जो मेनली पार्ट्स हैं वो विजुअल टाइप हैं, जिनको हम देख सकते हैं। ऐसे ट्रैक्स पार्टिकल पैदा करते हैं जब वो गुजरते हैं कुछ मीडियम से, जिनमें कि जो डिटेक्टर्स हैं वो हैं न्यूक्लियर एमल्शन, क्लाउड चैम्बर, बबल चैम्बर और स्पार्क चैम्बर। लेकिन एक ऐसा डिटेक्टर भी है इस हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स का, जो कि सिंटिलेशन स्पेक्ट्रोमीटर जैसा ही है, और वो लाइट का कन्वर्शन करता है या इलेक्ट्रिकल यूज़ करता है टेक्निक्स को, और ये है सेरेनकोव काउंटर। तो हमें एक तो इलेक्ट्रिकल टाइप पढ़ना है, और चार जो डिटेक्टर्स हैं वो हम विजुअल टाइप डिटेक्टर्स या टेक्निकल डिटेक्टर्स बोलते हैं। नो, ये जो डिटेक्टर्स हैं इनके अंदर जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि इनके अंदर जब भी कोई पार्टिकल इन मीडियम से गुजरता है किसी, तो ये इस तरह के एलिमेंट्स हैं जिसमें कि वो अपने ट्रैक्स निशान जब वो गुजरता है तो उनके अपने पाथ को छोड़ता है, जिनको हम ट्रैक्स बोलते हैं। और ये ऐसे होते हैं क्योंकि ये वैसे ही मटेरियल्स हैं जो कि पहले फोटोग्राफी में यूज़ होते थे, मेनली एल्कली हैलाइड्स। और जब इनको डेवलप किया जाता है तो AgBr, AgCl या इस तरह के जो मटेरियल्स हैं उनके अंदर वो जैसे फोटोग्राफ में होता है वैसे ही वो उनकी फ़ोटो खींच लेता है और वो विजिबल हो जाते हैं हमारे लिए। तो इनसे हम जो भी उनकी ट्रेजेक्ट्री बनती है उससे हम किस तरह का कोलिजन है, किस तरह का इंट्रैक्शन हो रहा है पार्टिकल्स के बीच में, क्या उनकी एनर्जी है, क्या उनका रेंज है, या उनकी क्या संख्या है, किस टाइप का है वो पार्टिकल, चार्ज्ड है, अनचार्ज्ड है, इस तरह के इंफॉर्मेशन हम कई सारे पार्टिकल्स भी आए तो भी हम उनको देख सकते हैं और उनको डिटरमिन भी कर सकते हैं। इससे एक और चीज़ जो आती है वो ये है कि जब भी इंट्रैक्शंस होते हैं तो ज़्यादातर हम जिस CM फ्रेम में काम करते हैं, तो इस केस के अंदर हम मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल्स का आपस में वो भी हम इस जो ट्रैक्स के जो कर्वेचर होते हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड में आपने देखा कि चार्ज पार्टिकल का अपना क्योंकि डिपेंड करता है तो उनका कर्वेचर डिपेंड हो जाता है, तो कर्वेचर की वजह से भी ट्रैक्स या मास है उनके अंदर तो भी वो इस तरह के ट्रैक्स जो हैं उनमें कर्वेचर पैदा होता है, और उससे हम उनके रेडियस कितना हुआ उससे हम उनकी मोमेंटम और एनर्जी का भी रेंज से फाइंड आउट कर सकते हैं। नौ, ये जो पहले हमने पढ़े थे जिसमें गैस बेस्ड डिटेक्टर्स भी थे और इलेक्ट्रिकल वाले पल्स वाले भी थे जिसके अंदर सिंटिलेशन स्पेक्ट्रोमीटर या सॉलिड स्टेट वाले काउंटर्स भी थे, इनकी बारे में एक जो जिसकी वजह से हमें विजुअल यूज़ करना पड़ता है हाई एनर्जी पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए, तो इनके कुछ एडवांटेज तो हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग सिस्टम है, जो डिटेक्टिंग सिस्टम्स हैं उनका, जैसे कि उनसे बहुत ही फास्ट रैपिड एक्यूमुलेशन होता है, और दूसरा वो जैसे डिटेक्टर्स को देखा पल्स फॉर्मेशन होता है और वो जल्दी से पल्स अगर बन जाती है तो हम उसको डिस्प्ले पे कर सकते हैं, लेकिन वो वन बाय वन होता है, पार्टिकल जैसे आता है तो एक एक करके डिटेक्ट होता है, तो रैपिड एक्यूमुलेशन भी हो सकता है, इकट्ठा होना और उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना। लेकिन ये वहाँ संभव है जहाँ पार्टिकल की संख्या बहुत कम हो, और दूसरा जहाँ स्कैटर होते हैं पार्टिकल्स बीम से किसी भी गिवेन एंगल पे, तो वो एक लिमिटेड संख्या में रहते हैं और हम सिंगल पार्टिकल का डिटेक्शन कर सकते हैं, वहाँ पे इन इलेक्ट्रिकल डिटेक्टिंग सिस्टम्स की बहुत यूटिलिटी होती है। लेकिन ये इस तरह के जो काउंटिंग सिस्टम्स हैं वो हमारे लिए काम वहाँ उन केसेस में नहीं करते जहाँ कि हमारे पार्टिकल्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि हमारे जो आउटर स्पेस से कॉस्मिक रे शॉर्ट्स गिरते रहते हैं अर्थ पे, करीब 14 पार्टिकल्स जो है पर सेकंड जो है वो हमारे शॉवर रहता है, तो
अगर इस तरह का अगर हमको लंबा एक्सपेरिमेंट करना है जिसमें कि लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर इन्वॉल्व हो, उन सबका एक साथ हमें कोई मेजरमेंट करना पड़े कि मोमेंटम क्या है, उनका एनर्जी क्या है, उनका रेंज क्या है, तो उनके लिए ये जो सिंगल पार्टिकल डिटेक्टर्स हैं या इलेक्ट्रिकल टाइप डिटेक्टर्स हैं वो बहुत स्लो होते हैं, और दूसरा वो वन बाय वन करते हैं, तो वो हमारे इसलिए काम के नहीं होते। तो बेटर तरीका ये होता है कि आप जो है, क्योंकि हमें एक ही प्लेन में उसको लेना है, तो कोप्लेनरिटी और दूसरा मोमेंटम का कैसे बैलेंस करेंगे वो पार्टिकल्स, उसको ध्यान में रखना होता है। और इसलिए यहाँ पे विजुअल जो टेक्निक्स हैं वो हमारे लिए एडवांटेजेस होती हैं। इन एडवांटेज जो टेक्निक्स हैं उनके अंदर जैसे बताया, इसमें हमारे चार प्राइमरीली हैं, न्यूक्लियर अमर्शन, क्लाउड चैम्बर, बबल चैम्बर और स्पार्क चैम्बर। इनके लिए हमें क्या करना है, इनमें से जो पहला है वो फोटोग्राफिक एमल्शंस हैं। इसको मैंने एक टेक्स से लिया है जो पहले तैयार किया हुआ था। तो इस एमल्शंस के लिए जो पहला एक्सपेरिमेंट हुआ था न्यूक्लियर रेडिएशन के डिटेक्शन का बैकरल द्वारा, उसने यही ऑब्जर्व किया था, उसके बाद क्यूरी ने किया कि कुछ फोटोग्राफिक प्लेट्स जो हैं वो न्यूक्लियर रेडिएशन में ब्लैक हो जाती हैं और वो अपने निशान छोड़ती हैं। तो जब भी वो चार्ज पार्टिकल पास होता है उस प्ले इमर्शन से फोटोग्राफिक प्लेट की, तो वो उसके अंदर ये पाया गया था कि उसके अंदर सिल्वर हेलाइड या सिल्वर, अब ये जो हैं मेटल हेलाइड्स जो होते हैं, जैसे सिल्वर हेलाइड है क्रिस्टल, वो एक जैसे फोटोग्राफी में होता है एक उसका वो बनाता है, क्या बोलते हैं, नेगेटिव, उस तरह की चीज़ें हैं कि इसके अंदर क्रिस्टल्स में अपने एक लेटेंट इमेज बनाता है, और जहाँ से वो गुज़रता है वो अपने उस रास्ते में पूरा अपने निशान छोड़ता चला जाता है। और जब हम उसको डेवलप करते हैं डेवलपर के द्वारा कोई भी सॉल्यूशन के, तो उससे वो पॉजिटिव जब जैसे फोटोग्राफ बनता है तो वो बहुत हमको अच्छी तरह दिख सकता है। ये जो इमल्शंस हैं ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं और काफ़ी पतले भी सॉल्यूशन घोल होता है इनका, जो फाइन लेयर होती है, और इनकी जो सेंसिटिविटी है वो लो होती है, और इसके अंदर वो, लेकिन एक जो समस्या आती है जब सेंसिटिविटी लो होती है कि इसके अंदर जो रेंज है उसको भी हम ढंग से डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हमने जे रेंज एनर्जी कर्व्स पढ़े थे शुरू में इसकी एलिमेंट्री नॉलेज में, तो उसके अंदर आपने डिफरेंशियल रेंज और एक एक्सट्रापोलेटेड रेंज पढ़ी थी, तो रियल रेंज जो है वो एक्सट्रापोलेट करनी पड़ती है। तो इन मटेरियल्स में भी यही इल डिफाइंड रेंज रहती है, और इसका कारण ये होता है कि जो उनके जो पार्टिकल साइज़ है जिसके अंदर वो इम्प्रिंट हो रहा है, जैसे कि सिल्वर हेलाइड है, उनका ग्रेन साइज़ ज़्यादा होता है, और वो शॉर्ट जो ट्रैक्स हैं उनका मेजरमेंट नहीं कर पाता, और तो कई सारे प्रोसेस जो हैं वो उसके अंदर रिकॉर्डिंग नहीं होती। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे करीब 40 के आसपास, 1940 के, उसको पावल ने एक न्यूक्लियर इमर्शंस दूसरे किए डेवलप, जिसके अंदर 80% जो है वो सिल्वर ब्रोमाइड था और वो जिलेटिन था। जिलेटिन आप जानते हैं कि मेनली जो है वो हाइड्रोजन हाइड्रोजनस मटेरियल है, और उसके अंदर इसको जैसा ही टारगेट होता है जैसे कि कोई प्रोटॉन का आप टारगेट ले लें, तो इट इज़ बेसिकली ये समझ लें कि सिल्वर ब्रोमाइड जो कि एक हाइड्रोजिनस मटेरियल में एम्बेड किया, एम्बेड मतलब अंदर, उसके अंदर ग्रेन्स को बैठाया गया है। तो सिल्वर ब्रोमाइड ग्रेन्स जो हैं वो काफ़ी स्मॉल होते हैं साइज़ में, और जब वो स्मॉल होते हैं तो उनमें जो जब पार्टिकल गुजरता है हाई एनर्जी पार्टिकल, तो एमल्शन जो है थिकनेस क्योंकि कम होने के कारण वो जो एमल्शन है वो हमारे एक यूनिफॉर्म मार्किंग या ट्रैक की नोटिंग करता है। और इसके अंदर जब हम प्रोसेस को डेवलप करते हैं तो हम उसको जब भी प्लेट को उसको डेवलपर में डालेंगे, तो उसको अगर हम एक लंबे समय तक रखें तो वो उसके अंदर ट्रैक को स्टडी करना इजी होता है। लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स थी कि कुछ सारे प्रोसेसेस जो है वो
अगर हम एक प्लेन में कोप्लेनरिटी को मेंटेन करना चाहते हैं, मींस प्लेन के इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो हमें इसके अंदर नहीं दे पाती है। तो उसके इम्प्रूवमेंट के लिए एक टेक्निक डेवलप करी 1950s के आसपास, जिसके अंदर की एक थिक इमर्शन फिल्म ली और उसके अंदर उस फिल्म के क्या किया कि उनके कोट किया और उन कोटिंग जो शीट्स हैं शीट्स की, उनको एक के ऊपर एक जो है वो, जैसा इस डायग्राम में भी दिखाया गया है, उनका एक पूरा गट्ठर बना दिया, स्टैक बना दिया। उससे क्या हुआ कि इसको ध्यान से देखें, इसमें लेफ्ट से पार्टिकल आ रहा है और एक ओ जो पॉइंट है बीच में, उससे वहाँ पे वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, वो किसी भी तरह का रिएक्शन हो सकता है, और उसके बाद ये दो दिशाओं में अलग बी और सी से जो नोट किया हुआ है उससे वो पार्टिकल्स निकल जाते हैं जो अपने निशान छोड़ जाते हैं। तो ये एक तरीके से हमारे थ्री डायमेंशनल ट्रैकिंग को अलाउ कर देता है। ये जो टेक्निक थी, इसके अंदर इमर्शन टेक्निक, स्टैक टेक्निक कहते हैं। तो इसके अंदर टेक्निक में इमर्शन जो है वो एक के ऊपर एक स्टैक्स रखे गए और कई सारी प्लेट्स को तैयार करने के बाद उनको एक के ऊपर एक रखा गया। लेकिन इसके अंदर जो जिसके ऊपर वो ग्रो किए गए थे, जैसे ग्लास की प्लेट, उनसे उनको उखाड़ा गया और उसको एक के ऊपर एक मेंटेन किया गया। और जब ये पार्टिकल की बीम आई, हाई एनर्जी पार्टिकल्स की, उन्होंने पॉइंट ओ पे जो है वो एक रिएक्शन हुआ और उससे जो पार्टिकल्स नए निकले, उनसे के जो ट्रैक बने, उनको आप जैसे बी और सी से यहाँ नोट किया है, उस तरह से आप इसको डायरेक्शंस दोनों हैं जो ओ सी और ओ बी, वो उसको आप किसी भी एक फाइन हाई पावर की माइक्रोस्कोप से उसको अच्छे तरह देख सकते हैं। इन ऑब्जर्वेशंस में ये पाया गया कि इसके अंदर हम रेंज पता कर सकते हैं, और क्योंकि ये जो एनर्जी लॉस होता है, कोई पार्टिकल निशान को छोड़ता है क्योंकि उनका एनर्जी लॉस होता है, एनर्जी ट्रांसफ़र होता है उन द ग्रेन्स ऑफ दी मटेरियल, तो उसके अंदर वो जो ट्रैक डेंसिटी है वो एनर्जी लॉस के प्रोपोर्शनल रहती है। तो ऐसे में आप ट्रैक डेंसिटी को पता कर सकते हैं, आप उस ट्रैक के जिस दिशा में जा रहा है एंगल का मेन इनकमिंग पाथ के, उससे आप उसके जो है डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल भी पता कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन से वो रहा और किस डायरेक्शन से वो क्रिएशन हुआ। तो इसमें डेंसिटी और रेंज दोनों जो है वो, क्योंकि एनर्जी और चार्ज पे डिपेंड करती है, तो इससे आप उसका जो इनकमिंग पार्टिकल है उसका भी चार्ज और एनर्जी का और रेंज का आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब इस केस में जब भी उस स्टैक से एक्सपोजर होता है, तो ये जो इमर्शन लेयर्स हैं वो आप उनको मार्किंग कर सकते हैं क्योंकि वो दोनों डायरेक्शंस में होती हैं, और उसको फिर बाकी केमिकली प्रोसेस करके साफ करके और उसके पाथ्स को स्टडी कर सकते हैं अंडर अ वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप। और आपको ये पता है कि जो अचार्ज पार्टिकल्स हैं वो आयनाइज करते हैं, तो हर केस का अपना एक स्पेसिफिक आयनाइजेशन होता है, जैसा कि पहले के लेक्चर्स में भी बताया था। जब भी हमने आयनाइजिंग इफेक्ट्स पढ़े थे तो डी बाई डी एक्स एक क्वांटिटी होती है, और इसके अंदर जब होता है रिएक्शन तो उसके अंदर मेनली मान लीजिए जेलेटिन का टारगेट है या इस तरह का, तो प्रोटोन है बेसिकली, तो उन प्रोटोन के जो टारगेट्स हैं उनसे वो कोलाइड होगा करेगा और उनसे वो रिकॉयल हो जाएगा क्योंकि वो हैवी है और जो चार्ज पार्टिकल आ रहा है वो एक गिफिन एनर्जी लेकर आ रहा है। तो इस केस के अंदर हम अलग अलग आयनाइजिंग पार्टिकल्स के लिए भी उनका मेजरमेंट कर सकते हैं इस टेक्निक के द्वारा। तो इसमें स्लो न्यूट्रॉन्स का भी डिटेक्शन कर सकते हैं हम, जैसे न्यूट्रॉन्स के बारे में बताया था, उनके कई सारे डिटेक्टर्स होते हैं, लिथियम डिटेक्टर है, बोरॉन डिटेक्टर है, या हाइड्रोजन डिटेक्टर है, या यूरेनियम की कोटिंग करनी है जब हमें वो, तो इसलिए स्लो न्यूट्रॉन्स के लिए क्या करते हैं कि उस इमर्शन प्लेट्स में उनको उसके अंदर लिथियम बोरॉन या यूरेनियम मिला दिया जाता है। इसी तरह फास्ट प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को अगर स्टडी करना है हमें, तो उसके अंदर हमें जो टारगेट है उसका मटेरियल, उसके अंदर हमें हम हाइड्रोजन का, ये जैसे मैं बताया था जिलेटिन जो हाइड्रोजनस मटेरियल है उसको रख दिया जाता है। और अगर ड्यूटेरियम के कंपाउंड्स यूज़ करते हैं जो कि खुद हैवी होता है और आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है,
उससे आप गामा रेज़ की एनर्जी को, जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं उनको भी डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि एक फोटो डिसइंटीग्रेशन, मैंने ट्यूटोरियल में एक आपको प्रोसेस दिया था, इंटरेक्शन ऑफ मैटर विद मैटर विद द इंटरेक्शन ऑफ फोटॉन्स विद द मैटर, तो उसके अंदर जो ट्यूटोरियल था उसके अंदर भी ये फोटो डिसइंटीग्रेशन का रिएक्शन बताया था, जिसके अंदर की ये जो हाइड्रोजिनस जो ड्यूटेरियम है जैसे मान लीजिए, तो उसमें गामा के साथ वो एक न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन का रिलीज करता है। अब यहाँ पे जो पार्टिकल्स आते हैं उनके अंदर जो मिनिमम आयनाइजेशन एक सिंगल पार्टिकल कर सकता है वो करीब 30 ग्रेन को अफेक्ट करता है पर माइक्रोन, 100 माइक्रोन ऑफ द पाथ। और जैसे डी बाई डी एक्स आपको पता है कि वो एन नंबर डेंसिटी पर डिपेंड करता है, तो ग्रेन डेंसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल हो गई माइनस डी बाई डी एक्स के। तो इससे हम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल भी निकाल सकते हैं, और क्योंकि उसके अंदर रेंज भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम उसके अंदर रेंज से एनर्जी का मेजरमेंट कर सकते हैं। जब वो रेंज पार्टिकल की डिटेक्ट होगी न्यूक्लियर इमर्शन में, दो पार्टिकल की एनर्जी को भी फाइंड आउट करा देगी। तो हम इससे रेंज एनर्जी कर्व को ड्रॉ करके हम उसकी पार्टिकल एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो इमल्शन डिटेक्टर्स हैं इनको कई हाई एनर्जी फिजिक्स में काफ़ी यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर की चार्ज पार्टिकल्स को इनको अटैच कर देते हैं मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोग्राफ से, जिससे कि उनका जो, क्योंकि मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोग्राफ में आपको जब रिलेशन यूज़ करेंगे, तो एक्सेलेटर्स में भी बताया था, उनके अंदर वो जो कर्वेचर आता है वो उनके बेसिक प्रॉपर्टी जो चार्ज है या उसके रेंज है उससे उसका नेचर पता लगता है। तो उससे रिएक्शंस और स्कैटरिंग दोनों को हम स्टडी कर सकते हैं। इन पार्टिकल्स की, क्योंकि ट्रैक्स जो हैं वो अलग अलग एंगल्स पे आते हैं, तो इनसे हम उनका मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल, और दूसरा एंगुलर मोमेंटम का भी फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है, तो अगर अलग अलग तरह के पार्टिकल्स आ रहे हैं तो वो अलग अलग आयनाइजेशन करेंगे, और आयनाइजेशन करेंगे तो उनके ट्रैक्स अलग की लेंथ अलग होगी, उनके रेंज अलग होगा और उनकी कर्वेचर अलग होगी। कर्वेचर मतलब यहाँ पे उनका जो रेडियस किसी बात का रहता है वो भी, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी अलग अलग होता है। तो इससे हम डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स का डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, हम उनकी एनर्जी, उनकी ग्रेन डेंसिटी और उनका इनकमिंग प्रॉपर्टीज़ को भी बता सकते हैं, और कौन सा रिएक्शन हुआ ये भी बता सकते हैं, क्योंकि सारे पार्टिकल्स को एक साथ हम डिटेक्ट कर रहे हैं। और ये जो इसलिए ये जो डिटेक्टर्स हैं ये बहुत ही अच्छी तरह विद हाइड्रोजिनस टारगेट ये काम करते हैं। स्कैनिंग के लिए जैसा बताया, इसके अंदर हाई एनर्जी जो हाई क्वालिटी का एक माइक्रोस्कोप यूज़ कर सकते हैं इसमें, और भी मीन्स हैं इसमें, ऑनलाइन आजकल कंप्यूटर्स भी कर लेते हैं कैमरा लगा के, तो इनके अंदर हम अटैच करके डिवाइसेस से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें एक जो ड्रॉबैक रहता है वो ये होता है कि क्योंकि ये सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो इनकी प्रॉपर्टीज़ ये है कि अगर ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र होता है तो दे स्टार्ट लूजिंग देयर ग्रेन्स, तो इस केस के अंदर कई सारे जो वो है थिकनेस उसकी जो है, क्योंकि ग्रेन्स कम होते चले जाते हैं तो इसके अंदर लॉस होता है उन ग्रेन्स का। तो जितने नंबर ऑफ जो परसेंट थिकनेस होती है मटेरियल की उससे वो बहुत कम रह जाती है ड्यू टू दी लॉस ऑफ द ग्रेन्स, और इसलिए यहाँ पे इसको मेजरमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इनकी कुछ एडवांटेजेस हैं इन न्यूक्लियर इमल्शन के कंपेयर टू दी अदर डिटेक्टर्स। तो पहली तो चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनको हम ट्रैक्स को देख सकते हैं, जबकि औरों में हम देखा था कि इलेक्ट्रिकल टाइप थे या गैस बेस्ड थे, उनके अंदर हम ट्रैक को नहीं देख सकते, सिर्फ काउंटिंग प्रोसेस ही बता सकता है कि हाँ ये एक पार्टिकल आया था या नहीं आया था।
तो यहाँ पे आप पर्टिकुलरली रिएक्शन को देख सकते हैं, स्कैटरिंग हुई है तो स्कैटरिंग को भी देख सकते हैं क्योंकि विजिबल ट्रैक अब पार्टिकल के अवेलेबल होते हैं, और इससे उसकी ट्रेजेक्ट्री किस तरह की है तो ट्रेजेक्ट्री का कर सकते हैं आप। इम्पैक्ट पैरामीटर भी पढ़ते हैं तो इसमें रदरफोर्ड स्कैटरिंग में भी पढ़ा था, तो उसके लिए आप उसकी वैल्यू थीटा की फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा, पार्टिकल जब डिफरेंट आयनाइजिंग पावर्स लेके आते हैं तो वो अलग अलग ट्रैक्स करते हैं, तो उनका आप नेचर ऑफ पार्टिकल्स या डिस्टिंग्विश करना है दो पार्टिकल्स के बीच में, तो आप उनके ट्रैक से अलग अलग पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तीसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि गैस स्पेस में भी देखा था और सॉलिड स्टेट में भी देखा था कि इवेंट होता है, उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन होल के पेयर का होता है या आयन पेयर फॉर्म होते हैं, और उसके बाद वो क्लिक होता है कि हाँ एनोड पे जाके वो स्टिक करेगा और हमें एक रीडिंग देगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एमल्शन है तो उसके अंदर जैसे फोटोग्राफिक प्लेट में होता है एक कंटिन्यूस हमारी इमेज फॉर्म होती है, तो रिकॉर्डिंग जो है वो लगातार चलती रहती है और उससे हम एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट का निकाल सकते हैं, तो मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना हमारे लिए ईजी हो जाता है। तो कहीं भी रिएक्शंस करवाना है जहाँ पे एक्सेलेटर बीम्स के द्वारा हो या किसी और मैकेनिज्म के द्वारा हो तो भी ये लगातार रिकॉर्डिंग उसकी करता रहता है, और इससे उनकी कब एनर्जी चेंज हुई या उनका कब डायरेक्शन चेंज हुआ वो पार्टिकल्स का भी हम उससे उसके अंदर रेंज कितनी रही, कम एनर्जी का है लो एनर्जी का पार्टिकल है कम रेंज रहेगी या ज़्यादा रेंज रहेगी उससे हम उसकी एनर्जी का फाइंड आउट कर सकते हैं। और डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन अगर आपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा हो न्यूक्लियर के पेपर में तो डी सिग्मा बाई डी ओमेगा जो है वो डिपेंड करता है, तो उसके अंदर वो आप काउंट्स नंबर ऑफ काउंट्स जो ट्रैक पे बन रहे हैं वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं और हर एमल्शन में उससे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी डेंसिटी रही और क्या कितने नंबर में पार्टिकल्स आए। और दूसरी बात ये है कि इसके अंदर हाई डेंसिटी जो है वो हमारे होने की वजह से जो शॉर्ट लिव्ड पार्टिकल्स हैं जो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं या रेजोनेंसेस हैं उनको भी हम इसके अंदर मेजर कर सकते हैं क्योंकि वो आके इसके अंदर रेस्ट में आ जाते हैं पार्टिकल्स जब तक वो डिके होते हैं। तो ये हमारा इसका, और एक लास्ट जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि ये चीप है और क्योंकि मटेरियल से ही काम लेकर सॉल्यूशन आना होता है, इनकी प्रोसेसिंग जो है वो कॉस्टली होती है और लाइट वेट है क्योंकि एक फिल्म की ही बनानी होती है उसकी, और अगर हमें कहीं हाई ऑल्टीट्यूड पे मेजरमेंट करना है हाइट पे ले जाके कहीं ऑब्जर्वेटरी है तो हम इस तरह के कॉस्मिक एक्सपेरिमेंट्स इन डिटेक्टर्स को ले जाके कर सकते हैं क्योंकि इनको कैरी नहीं करना होता तो वेट का प्रॉब्लम नहीं है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम बबल चैम्बर और क्लाउड चैम्बर्स करेंगे और फिर हमारा स्पार्क चैम्बर रहेगा और फिर हम एक सरेन काउंट